हमारा जर्नल एंट्री हो चुका, लेजर बनने के बाद गलती मिला, या सर लेजर ट्रायल बैलेंस भी बन गया, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद गलती मिला, या सर फाइनल अकाउंट भी बन गया और फाइनल अकाउंट बनने के बाद गलती मिली। तो ये तीन स्टेज में हम एरर को पकड़े, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर फाइनल अकाउंट। ठीक है, एक तो ये हुआ गलती को पकड़े कब। अब हर एक में गलती दो दो नेचर का हो गया या दो दो टाइप हो गया, आगे सिंगल एरर या डबल साइडेड एरर। सिंगल या डबल का मतलब क्या है सर? सिंगल मतलब एक लेजर में गलती करे। मेरे को राम टू कैश करना था, हम राम के अकाउंट में ठीक एंट्री किए बट कैश के लेजर में करना भूल गए या गलत कर दी, या फिर कैश के लेजर में ठीक किए तो राम के लेजर में गलत कर दी। ये हुआ सिंगल एरर। हर एक में भाई है सिंगल डबल सिंगल डबल। तो सर गलती कहां पकड़े और गलती सिंगल साइडेड है कि डबल साइडेड? सर डबल साइडेड मतलब क्या है? सर एक से ज्यादा लेजर में गलती, एक ही लेजर में अगर दोनों साइड में मिस्टेक हो गया उसको डबल साइडेड नहीं बोलते। ठीक है ना? राम के लेजर के डेबिट में लिखना था, हम राम के लेजर के क्रेडिट में लिख दिए या लिखे ही नहीं, वो डबल साइडेड नहीं होते, एक ही लेजर में गलती हुआ ना राम के लेजर में। लेकिन डबल साइडेड क्या हुआ सर? राम के लेजर में लिखना था, श्याम के लेजर में लिख दिए, या राम और कैश, राम टू कैश एंट्री था, दोनों ही लेजर में लिखना भूल गए, दोनों ही लेजर के रॉन्ग साइड में लिख दिए। तो दो अकाउंट में गलती हो रहा है ना, दो लेजर में मिस्टेक हो रहा है, ये हुआ डबल साइड। ठीक, अब बात आता है सर ये जो एरर है ना ये कितने टाइप का हो सकता है? तो एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब रूल में मिस्टेक कर दिए। डेटर डेबिट होता है ना, हम डेटर को क्रेडिट कर दिए, सेल्स इनकम है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट होना चाहिए, हम डेबिट कर दिए, तो रूल में मिस्टेक। एरर ऑफ ओमिशन, एंट्री को लिखना भूल गए, और एरर ऑफ कमीशन, अमाउंट का एरर की। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन भी फिर दो टाइप का हो सकता है, पार्शियल ओमिशन या कंप्लीट ओमिशन। मतलब सर राम के लेजर में लिखना भूल गए लेकिन कैश में लिखे, ओमिशन मतलब भूल गए ना, ओमिट कर दिए, तो सर राम के लेजर में लिखना भूल गए कैश के लेजर में ठीक लिखे, या राम, ये हो गया पार्शियल ओमिशन, एक साइड भूल गए। एक होता है कंप्लीट ओमिशन, मतलब सर ना राम में लिखे ना कैश में लिखे, दोनों में लिखना। एरर ऑफ कमीशन तीन टाइप का हो सकता है, वही पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट, राम में लिखना था श्याम में लिख दी, पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, डेबिट में लिखना था क्रेडिट में लिख दी, पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग अमाउंट, 100 रुपये लिखना था 1000 लिख दी, 10 गलती से ज़्यादा लिख दी, 450 लिखना था 540 लिख दिया गलती से, तो अकाउंट रॉन्ग लिख दिए, या अकाउंट के साइड रॉन्ग लिख दिए, या फिर अमाउंट रॉन्ग लिख दिए। तो अब अगर सर इस पूरा स्टोरी को हम समझ करें तो सर मेरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में थ्री साइडेड तीन बातें निकल कर आती हैं, एक बिफोर टीबी, एक आफ्टर टीबी, एक आफ्टर फाइनल अकाउंट। सर बिफोर टीबी में भी सिंगल या डबल, आफ्टर टीबी में भी सिंगल या डबल, और आफ्टर फाइनल अकाउंट में भी सिंगल या डबल। सर सिंगल साइडेड एरर जनरली, सिंगल साइडेड एरर का बात कर रहा है बेटा, जनरली कितना टाइप हो सकता है सर? रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड में लिख दी,
रॉन्ग अकाउंट में लिखना या नहीं हो सकता, क्योंकि रॉन्ग अकाउंट में लिखते दो अकाउंट का मिस्टेक हो गया, एक जिसमें गलती से लिखी और एक जिसमें लिखना था नहीं लिखी, है ना। तो सर एक तो रॉन्ग साइड में लिख सकते हो सिंगल एरर में आप, या फिर आप रॉन्ग अमाउंट लिख दिए, ये दो ही मिस्टेक हो सकता है ना। राम के डेबिट में लिखना था, हम गलती से क्रेडिट में लिख दिए, रॉन्ग साइड लिख दिए ना। राम के डेबिट में 1000 लिखना था, हम गलती से 100 लिख के रह गए, रॉन्ग अमाउंट लिख दी। हाँ ये हुआ सिंगल साइडेड। सर डबल साइडेड में भी ये दो तीन गलती तो हो ही सकता है, एक्स्ट्रा मिस्टेक क्या हो सकता है सर आपका, आप रॉन्ग अकाउंट में लिख दी, ये आपका डबल साइडेड हो सकता है। एक मिनट, ये एक्स्ट्रा क्या जुड़ जा रहा है, रॉन्ग अकाउंट में, ठीक। अब ये रेक्टिफिकेशन होता कैसे है सर, तो देखो एक बहुत सिंपल बढ़िया बात, यहाँ पे चार्ट में ड्रॉ करते हैं पहले। अगर ये बिफोर ट्रायल बैलेंस सिंगल साइडेड एरर है तो कोई जर्नल एंट्री नहीं होता, एक स्टेटमेंट लिखना होता है। बिफोर ट्रायल बैलेंस सिंगल साइडेड एरर में कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, एक स्टेटमेंट लिखते हैं खाना कि ये अकाउंट में कम लिख दिया, आप लिख देंगे। मतलब एग्जांपल बोलते हैं कि सेल्स अकाउंट को गलती से हम डेबिट कर दिए, मेरा सेल्स का लेजर था ये, हम क्या किया सेल्स अकाउंट में तो हमको बाई राम लिखना था ना, हम टू राम लिख दिया गलती से 1000 रुपीज। हम राम अकाउंट में ठीक किया है, ये मेरा सेल्स अकाउंट है, हम राम अकाउंट में ठीक किया है, राम अकाउंट में हमको 2 सेल्स लिखना था, हम लिखा, लेकिन सेल्स अकाउंट में गलती से बाई राम की जगह 2 राम लिखती। और ये गलती कब पकड़ा गया सर, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है, बिफोर टीवी। अब क्या करें सर, सर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि सेल्स अकाउंट अंडर कास्ट बाय 1000 रुपीज नाउ टू बी क्रेडिटेड बाय 2000। सर 2000 क्यों हुआ, 1000 से तो गलती सुधारना था, 1000 तो हाँ जो 1000 लिखना भूले पहले तो वो लिखेंगे, और जो गलत 1000 लिख दिए वो भी 1000 ठीक करेंगे, तो 2000 रुपीज से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर, ये बात एक स्टेटमेंट में लिख के आ जाएगी, ठीक है। ये हुआ बिफोर ट्रायल बैलेंस सिंगल साइडेड एरर में, जो एग्जाम में 99% नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब जो पढ़ोगे वो आता। सर बिफोर ट्रायल बैलेंस डबल साइडेड एरर, या फिर आफ्टर ट्रायल बैलेंस डबल साइडेड एरर, या फिर आफ्टर फाइनल अकाउंट डबल साइडेड एरर, तीनों को रेक्टिफाई करने का एक ही तरीका है, मतलब डबल डबल और डबल तीनों को रेक्टिफाई करने का क्या है सर, रॉन्ग करेक्ट और रेक्टिफाइड एंट्री वाला कंसेप्ट जो अपने करते थे। जैसे हम एक एग्जांपल देके करवाते हैं, मेरा राम अकाउंट ना डबल साइडेड एरर बोल रहे हैं, हम राम को सामान बेचा था 1000 रुपीज का, तो मेरा करेक्ट एंट्री होना क्या चाहिए, राम टू सेल्स, मेरा अकाउंट है रामा टू सेल्स कर, मेरी दो पार्टी थी, एक राम और एक रामा, तो राम की जगह गलती से रामा अकाउंट को सिलेक्ट करके एंट्री कर दी, तो हम क्या किया, सबसे पहले बेटा करेक्ट एंट्री लिख लिया, तो ये तो पता चल गया ना डबल साइडेड है, दो अकाउंट में गलती हो रही, एक तो राम के अकाउंट में लिखना भूला और एक गलती से रामा के अकाउंट में लिख दिया, तो डबल साइडेड एरर है। हाँ चलो, तो पहला काम क्या किया वर्किंग में, हम राम को सेल्स पहले करेक्ट एंट्री लिख लिया, फिर जो रॉन्ग हुआ मेरे अकाउंटेंट से वो भी लिख लिया, ठीक है, ठीक है। अब रेक्टिफाई कैसे करेंगे, देखो चारों अकाउंट को जो हम लिखा है
उनको एक एक पकड़ के देखेंगे, गलती सुधारने का हम एक लाइन का क्लू दे रहे हैं। जो मिस्टेक हो गया उसको रिवर्स कर दो और जो नहीं किया उसको अब कर लो। अगर हम चंद्रलेखा आपको बोले बेटा हम खाना नहीं खाया, आप हमको क्या सजेशन दोगे? सर खा लीजिए। हाँ, अगर हम बोले हम कम खाया तो क्या सजेशन दोगे? और खा लो। हाँ, तो वही हुआ। अगर हम बोल रहे हैं कि राम के अकाउंट में एंट्री नहीं किया, राम को डेबिट करना था ना, तुम्हारा अकाउंटेंट किया है क्या? नहीं किया। तो अब कर लो तुम, ठीक है। और अगर हम बोलते राम के अकाउंट में गलती से कम डेबिट कर दिया तो और डेबिट कर लेते। मतलब अगर नहीं किया है या कम कर लिया है तो अब कर लो। हाँ, सेल्स के अकाउंट को क्या करना था करेक्ट एंट्री के हिसाब से? डेबिट किया है क्या? हाँ किया है। तो फिर कुछ करने का दरकार नहीं है, गलती नहीं है तो सुधारोगे क्या? हाँ। अच्छा, रामा अकाउंट को क्या किया है? वो डेबिट किया है। करना था क्या? नहीं। तो अब रिवर्स कर, जो नहीं करना था या ज्यादा कर दिया तो रिवर्स कर। हम दो लाइन में पूरा रेक्टिफिकेशन सिखा दिया। जो करना था नहीं किया है कर लो, जो गलती से कम लिख दिए हैं तो और लिख लो डेबिट में। मतलब डेबिट करना था नहीं किया डेबिट कर लो, गलती से डेबिट में कम लिख दिया है तो फिर से डेबिट ही कर लो। वैसे ही डेबिट करना था क्रेडिट कर दिए तो उल्टा कर दो। गलती किया है तो रिवर्स कर दो और ज्यादा लिख दिए हैं तो भी रिवर्स कर दो। कम लिख दिए हैं या नहीं लिखे हैं तो अब लिख लो, ठीक है। यही है पूरा रेक्टिफिकेशन का फंडा। तो ये आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री बन रहा है, राम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। जैसे अगर हम यहाँ पे एक सिंगल साइडेड एरर ही पकड़ते हैं, मेरे राम अकाउंट में 1000 रुपीज लिखना था, तो राम टू सेल्स 1000 रुपीज करना था। मेरा अकाउंटेंट राम अकाउंट में 1000 की जगह 100 लिख दिया, सेल्स अकाउंट में कोई गलती नहीं किया, सेल्स में 1000 ही लिख दिया। ये हम बात कर रहे हैं सिंगल साइडेड एरर। अब देखो बेटा, राम को क्या करना था? राम को 1000 से डेबिट करना था, वो क्या किया है? 100 से डेबिट किया, तो 900 से और डेबिट हो गया ना राम। हाँ। तो राम अकाउंट डेबिट लिख लो 900 लिखो। सेल्स को 1000 से क्रेडिट करना था, वो किया है ना? हाँ किया है। तो ये कोई गलती नहीं है तो सुधारने का जरूरत नहीं। हाँ। लेकिन सर राम अकाउंट डेबिट हुआ कुछ तो क्रेडिट होगा। सस्पेंस। हाँ, अगर ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर फाइनल अकाउंट वाला सिंगल साइडेड एरर होता तो आपको उसको सस्पेंस से ठीक करते, ठीक है ना? लेकिन सर अगर ये बिफोर ट्रायल बैलेंस वाला सिंगल साइडेड एरर होता तो हम लिख लेते कि राम अकाउंट में 900 रुपीज कम लिखा गया है तो राम अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 900 नाउ, है ना? राम अकाउंट को 900 से अब डेबिट कर लेंगे, ये बात स्टेटमेंट में लिख देंगे। तो आपको सिंगल और डबल दोनों समझ में आ गया कैसे सुधारते हैं? सर आप बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर सिंगल साइडेड है तो स्टेटमेंट लिखाते, बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर डबल साइडेड है तो ये रॉन्ग करेक्ट और रेक्टिफिकेशन कर लेते, आफ्टर ट्रायल बैलेंस सिंगल साइडेड है तो सस्पेंस अकाउंट से सुधारते, आफ्टर ट्रायल बैलेंस डबल साइडेड है तो वही रॉन्ग करेक्ट और रेक्टिफिकेशन से एंट्री निकाल लेते। लास्ट बात, आफ्टर फाइनल अकाउंट सिंगल साइडेड है तो सस्पेंस अकाउंट यूज करते, आफ्टर ट्रायल बैलेंस अगर डबल साइडेड है तो यही रॉन्ग करेक्ट और रेक्टिफिकेशन से सुधार लेते, ठीक है। लेकिन सर एक पंगा है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस आफ्टर फाइनल अकाउंट अगर है तो ये रॉन्ग करेक्ट रेक्टिफिकेशन करके जो एंट्री आएगा मेरा उसमें अगर
ट्रेडिंग या पीएल के कोई अकाउंट का नाम आ रहा है तो क्या लिख देंगे, पीएल एडजस्टमेंट है। जैसे यहाँ राम और रामा आ रहा है ना रेक्टिफिकेशन एंट्री में, और अगर ये आफ्टर फाइनल अकाउंट होता तो यही लिख के आ जाते एग्जाम। लेकिन अब एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट का नाम आ रहा है, देखो करते हैं। मान लो मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस का खर्चा हुआ था, तो मेरे को करेक्ट एंट्री क्या करना चाहिए था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो 500 रुपीज का खर्चा हुआ था, मेरा अकाउंटेंट ट्रैवलिंग एक्सपेंस को गलती से मशीन अकाउंट में ऐड कर, क्या हो गया एंट्री मशीन टू कैश। मान लो एक बार 500 के लिए, तो बेटा जी ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या होना चाहिए था, किया है तुम्हारा अकाउंटेंट नहीं तो कर लो तुम ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट क्या होना चाहिए था, किया है तुम्हारा अकाउंटेंट, किया है तो कुछ करने का दरकार नहीं है। तुम्हारा अकाउंटेंट मशीन अकाउंट को क्या कर दिया गलती से, डेबिट करना था क्या, नहीं तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करे तू मशीन क्रेडिट कर दू। अब देखना बेटा ये अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस होता तो भी यही एंट्री लिखाते ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू मशीन, बिफोर फाइनल अकाउंट होता तो भी यही लिखाते ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू मशीन। लेकिन यही अगर आफ्टर फाइनल अकाउंट होता ना, मतलब ये गलती कब पकड़ा गया, फाइनल अकाउंट भी बनाने के बाद, मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट सब बना चुके, तो फिर ये ट्रेवलिंग एक्सपेंस वर्ड नहीं लिख के यहाँ लिख लेते पीएल एडजस्टमेंट है। मशीन तो मशीन है, बैलेंस शीट का कोई आइटम है वो अपने ही नाम से रह जाएगा, और ट्रेडिंग पीएल का कोई आइटम है उसकी जगह वर्ड आ जाएगा पीएल एडजस्टमेंट, पीएल एडजस्टमेंट बस। आफ्टर फाइनल अकाउंट का यही स्टोरी, सिंगल हो या डबल हो। अगर मान लो हम यहाँ पे बोलते, अगर हम मानते क्या बोलो बोलो पहले कुछ नहीं, हम बोलते तो एंट्री होगा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। हाँ रेक्टिफिकेशन एंट्री हो। अब मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा अकाउंटेंट सिंगल एरर के, ये तो डबल एरर का एग्जांपल था आफ्टर फाइनल अकाउंट। अब एक सिंगल एरर भी हो सकता, ट्रेवलिंग एक्सपेंस का 500 रुपया खर्चा हुआ, ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू कैश करना चाहिए था, मेरा अकाउंटेंट टू कैश तो लिखा, मतलब कैश अकाउंट का जब लेजर खोला वो तो वहां पे वो बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंस लिखा, लेकिन जब ट्रेवलिंग एक्सपेंस का लेजर ओपन किया वो वहां पे टू कैश लिखना भूल गया, सिंगल एरर है, एक अकाउंट में मिस्टेक है खाली, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस में नहीं लिखा है, तो सर अब आप लिख लीजिए, मतलब ट्रेवलिंग एक्सपेंस को आप डेबिट कर लीजिए। सिंगल एरर है तो आप सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे, है ना। तो बेटा जी अगर ये बिफोर ट्रायल बैलेंस होता तो सर एंट्री नहीं करते, खाली स्टेटमेंट लिखाते कि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय 500। सर अगर ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस लेकिन बिफोर फाइनल अकाउंट होता तो सर ये एंट्री कराते ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू सस्पेंस। सर ये आफ्टर फाइनल अकाउंट होता तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस की जगह पीएल एडजस्टमेंट लिख दो। बात समझ में आई। तो ये था आपका बिफोर ट्रायल बैलेंस सिंगल डबल, आफ्टर ट्रायल बैलेंस सिंगल डबल, और आफ्टर फाइनल अकाउंट सिंगल। एक और टाइप का एरर हम लोग नाम डिस्कस करना भूल गए थे, हम लोग एरर ऑफ ऑमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन का बात किए थे। एक और एरर होता है कॉम्पनसेटिंग एरर, ये वो हुआ ना राम की जगह रामा में लिख दिए, राम भी डेटर था रामा भी डेटर ही था, अल्टीमेटली मेरा ट्रायल बैलेंस तो मैच कर ही जाएगा ना, क्योंकि एक डेटर की जगह दूसरे डेटर में लिख दिए तो। लेकिन ये एरर तो है,
इसको बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। मेरा एक गलती दूसरे गलती से कॉम्पनसेट हो गया, एडजस्ट हो गया, ठीक है। सर ये बात इतना थ्योरेटिकली क्यों याद रखना है, प्रैक्टिकल सब में तो कोई मतलब नहीं रखता। हाँ नहीं रखता, लेकिन आपका एमसीक्यू पेपर आएगा, आपको हो सकता है एरर देके पूछे बताओ ये चारों में से कौन से टैग पे एरर। एक एग्जांपल देगा कि राम अकाउंट की जगह रामा अकाउंट में लिख दिए, तो बताओ ये एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, कि कॉम्पनसेटिंग एरर है, कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है, है ना। देखो यहाँ पे हिसाब से देखा जाए तो दो टाइप का कैटेगरी माना था, टू टाइप्स। एक तो एरर ऑफ प्रिंसिपल को अलग ही कैटेगरी माना, और ये जो तीनों एरर है ना, कि लिखना भूल गए, अमाउंट गलत लिख दिए, या गलत अकाउंट में लिख के एडजस्ट कर दिए। एक सैलरी का खर्चा था, मेरा अकाउंटेंट गलती से रेंट अकाउंट में डाल दिया। भैया ट्रायल बैलेंस तो मैच कर ही जाएगा ना, क्योंकि दोनों ही ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आते हैं। तो ये लेकिन एरर ऑफ कॉम्पनसेशन है, अकाउंट का रॉन्ग नाम चूज कर लिया, ठीक है। लेकिन क्रेडिटर को डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया, सॉरी क्रेडिटर को क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया। डेटर को डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया। एक्सपेंस को इनकम मान लिया, ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, रूल में मिस्टेक कर दिया। एक्सपेंसेस तो डेबिट होता है ना, रूल है ना। आप एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दिए, मतलब उसको इनकम मान लिया एक तरीके से। रेंट रिसीव्ड एक इनकम है ना, मेरा अकाउंटेंट उतना ध्यान नहीं दिया, रेंट रिसीव समझ के उसको डेबिट में लिख दिया, ये हुआ एरर ऑफ प्रिंसिपल। वो रूल का भी स्टेक कर रहा है सर, वो गोल्डन रूल या मॉडर्न रूल में जो बात बोला है उसको उल्टा कर रहा है, ये हुआ एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे एक्सपेंस, हम एक एसेट खरीदा, ये तो मेरा एक एसेट होना चाहिए ना, मशीन खरीदा तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए था एसेट बन के। मेरे अकाउंटेंट उसको ट्रायल पीएल अकाउंट में डाल दिया एक्सपेंस समझ के, एरर ऑफ प्रिंसिपल ना, एसेट को गलती से खर्चा समझ लिया। तो आपने एक बात पढ़े थे ना बेटा, एक नया मशीन ला रहे उसके साथ ट्रांसपोर्ट का खर्चा कर रहे हैं, वो एसेट में ही ऐड होता है। आपने पढ़े थे ना कि एक नया हम सेकेंड हैंड एसेट ला रहे हैं, उसको रिपेयरिंग करवा रहे हैं, तो एसेट में ही ऐड होते हैं। आपने ये भी पढ़े थे सर, आप ओवरहॉलिंग खर्चा करते हैं, ओवरहॉलिंग मतलब एसेट का लाइफ या कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, वो भी ऐड हो जाता है। हाँ तो ये तो एसेट में ऐड होना था, मतलब कहाँ जाना था, बैलेंस शीट में। आपका अकाउंटेंट पीएल में डाल दिया, मतलब उसको खर्चा मान लिया। तो एक एसेट को एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, ये किस नेचर का एरर है, बोलो किस नेचर का हुआ। एक और बार रिपीट कीजिए। मेरा अकाउंटेंट एसेट को एक्सपेंस मान लिया, ये किस नेचर का एरर हुआ। प्रिंसिपल। हाँ, और वही वो मशीन में ऐड करना भूल गया, ये हुआ एरर ऑफ ओमिशन। वो मशीन में 5,000 ऐड करने की जगह 500 ऐड कर लिया, या 50,000 ऐड कर लिया, एरर ऑफ ओमिशन। हाँ, या वो मशीन में ऐड करने की जगह फर्नीचर में ऐड कर लिया। हाँ, तो ये सब स्टेट में आपको एग्जांपल में पूछ सकता हूँ। एरर ऑफ पढ़ लिए अपने कितने टाइप का हुआ, देखो आप यहाँ पे एक सम करते हैं, आपके बुक में ये सम है, तो देखो हमें क्या किया, सेल्स बुक हैज बीन टोटल ₹100 शॉर्ट, और आपको बोला है सस्पेंस अकाउंट खोल के एंट्री करना, मतलब ये बिफोर ट्रायल बैलेंस नहीं है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर फाइनल अकाउंट है। यहाँ पे आफ्टर फाइनल अकाउंट जब तक बोले नहीं तब तक करना नहीं है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस ही मान, ठीक है। तो देखो ये लोग दोनों वे में सॉल्व करके दिखाया कि अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलना होता, मतलब ये बिफोर ट्रायल बैलेंस होता, तो क्या करते हैं स्टेटमेंट लिखते हैं ना। देखो ये कैसे लिखा, सिंस सेल्स बुक हैज बीन कास्ट ₹100 शॉर्ट,
sales account has been similarly credited 100 rupees short, the corrected entry will be sales account will be credited by rupees 100. तो ये लिख क्या रहे एग्जाम कि सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 100, ये स्टेटमेंट लिख के आती है। और यही अगर बोलता सस्पेंस अकाउंट से, ये विदाउट सस्पेंस अकाउंट बोला है, और यही अगर बोल देता है इसमें ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर फाइनल अकाउंट है, तो आप क्या बोलते हैं सेल्स बुक में कम लिखा है। सेल्स बुक क्या होता है, क्रेडिट की डेबिट? डेबिट हाँ डेबिट बेटा, सेल्स है चंद्रलेखा, ये बचकाना वाला ब्लंडर नहीं चलेंगे अब। सेल्स क्रेडिट होगा, इनकम है। हाँ तो तू सेल्स अकाउंट लिखिए पहले तो सर, वो लिखना भूला है मतलब, अब आप लिख दीजिए। और डेबिट तो सस्पेंस अकाउंट होता है, यही अगर आफ्टर फाइनल अकाउंट होता तो आप सेल्स की जगह यहाँ पी एल एडजस्टमेंट लिखते। तो देखो बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो स्टेटमेंट लिखे, आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो सस्पेंस टू सेल्स लिखे, और आफ्टर फाइनल अकाउंट है तो सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट लिखे। यहां देखो क्या बोला, गुड्स वर्थ रुपीज 150 रिटर्न्ड बाय ग्रीन एंड कंपनी हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, ये सिंगल एरर है कि डबल एरर है? सिंगल एरर है कि डबल एरर है? डबल एरर है। हाँ, क्योंकि कोई अकाउंट में एंट्री नहीं हुआ सर। हाँ। तो सर इसमें तो आपको स्टेटमेंट लिखने से काम नहीं चलेगा, एंट्री करना। हाँ, और सर एंट्री पूरा ही भूल गए, ओमिशन है ये। नॉर्मल एंट्री करते हैं। हाँ, एकदम। सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। हाँ भाई, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू जिस पार्टी का नाम है, क्या नाम है, टू ग्रीन एंड कंपनी। सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड टू ग्रीन एंड कंपनी, ये देखो। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन बोला, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स 1000 रुपीज एंटर्ड इन परचेज डेल, हम क्या परचेज किए? फर्नीचर। तो हमको तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी लिखना चाहिए था। हाँ। तो मेरा करेक्ट एंट्री होना था फर्नीचर टू गुलाब। मेरा अकाउंटेंट उसको परचेज डेबिट में एंट्री कर लिया, मतलब वो गुड समझ के परचेज मान लिया, वो कर दिया परचेज टू गुलाब। तो फर्नीचर को क्या होना था? डेबिट। डेबिट हुआ नहीं है तो अब कर लो। गुलाब को क्रेडिट होना था, गुलाब क्रेडिट हुए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ एरर कुछ एरर ही नहीं है तो रेक्टिफाई क्या करोगे। और परचेज अकाउंट को डेबिट किया आपका अकाउंटेंट, जो डेबिट नहीं होना चाहिए था, टू परचेज कर, तो फर्नीचर टू परचेज रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा, ठीक है ना। लास्ट बोला डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन रुपीज 18 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, सिंगल एरर है। द अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी हैव बीन करेक्टली पोस्टेड, चलो क्वेश्चन बोल भी दिया वरना हम भी यही एज्यूम करते कि जी मोहन में ठीक ही हुआ होगा, वो डिस्काउंट का कॉलम में एंट्री करना भूल गया। डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए एक एक्सपेंस है। तो सर यहाँ तो बोला विदाउट सस्पेंस अकाउंट, मतलब ये बिफोर ट्रायल बैलेंस है। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, डिस्काउंट कॉलम शुड बी डेबिटेड, है ना। अगर यही आफ्टर ट्रायल बैलेंस होता सर तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस कर देती। डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना है ना, तो डेबिट करो। और क्रेडिट क्या होगा? हाँ, और यही सर आफ्टर फाइनल अकाउंट आता तो डिस्काउंट अलाउड वर्ड की जगह पीएल एडजस्टमेंट लिख देते, पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस एंट्री हो जाती। क्लियर है? हाँ। ये है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर।